23 क्वेश्चन में एक सर्किट दिया हुआ बच्चों, इनपुट वोल्टेज 20 है, राइट right? मतलब यहां पर 20 वोल्ट अप्लाइड सप्लाइड है। VBE बेस एमिटर मतलब इतने जंक्शन पे 0 वोल्ट है। CE मतलब यहां से यहां तक भी कितना है, 0 वोल्ट है डिफरेंस बच्चों CE के बीच में और BE के बीच में। IB, IC और बीटा बताने हैं अपन को। IB मतलब बेस करंट, कलेक्टर करंट और एमिटर ग्राउंड है, तो NPN तो है दिख रहा है अपन को, और साथ ही साथ ये कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन भी है, ठीक है, कॉमन एमिटर। तो एक तरफ तो इसका इनपुट साइड हो जाएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है अपन अपने पास रेजिस्टेंस दिया हो, वोल्टेज दिया हो, तो अपन करंट वगैरह मार्क करके सीधे सीधे केवीए लिख सकते हैं। तो इनपुट एंड पे केवीए लिखते हैं, इनपुट एंड पे केवीएल का इक्वेशन। ओपन लूप लगाना है इस एंड से लेके इस एंड तक। ये ग्राउंड है मतलब 0 वोल्ट अज्यूम कर लो, इस पे बैठ के चलो तो हो जाएगा V ऑफ I, आगे बढ़ के जाओगे तो हो जाएगा माइनस ऑफ आई बी इंटू आर बी। देखो यहां से यहां पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, फिर आगे आओगे तो माइनस ऑफ वी बी ई इज इक्वल टू, कहां पहुंच गए अपन बच्चों, ये चलते चलते यहां पे 0 वोल्ट, ये भी 0 अलग कर दो, तो यहां हो जाएगा सीधा सीधा आई बी का जो टर्म आ रहा है वो हो जाएगा वी आई बाय आर बी। वी आई है 20 वोल्ट और आर बी दिया हुआ है 500 किलो का मतलब होता है 10^3। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0.04 होगा ये, और 10^-3 हो जाएगा। तो बच्चों आई बी के टर्म्स में ना माइक्रो वर्ड यूज किया है इन लोगों ने, आप भी कन्वर्ट करो इसको, 3 शिफ्टिंग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 × 10^-6 या बोल सकते हो 40 माइक्रो एम्पियर। तो आई बी अपन को मिल रहा है बच्चों 40 माइक्रो एम्पियर। सेम यही कहानी आप लोग आउटपुट पे पढ़ लो, आउटपुट पे भी केवीएल लगा लो, ओपन लूप में इस एंड से चलते हुए यहां तक पहुंच जाना है, यहां बैठ के लिखो। ये वीसीसी का टर्म है क्योंकि कलेक्टर पे बैठा है ये, तो हो जाएगा प्लस में वीसीसी, आगे आप बढ़ोगे तो करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा क्योंकि एमीटर है ये, तो आईई बाहर जाना है तो मतलब दोनों इनवर्ट जाएंगे, तो माइनस ऑफ आईसी इंटू आरसी, और ये भी माइनस में जाएगा तो माइनस ऑफ वीसीई इज इक्वल टू 0 वोल्ट, इसे अलग कर दो, क्वेश्चन वाला खुद ही कहता है। ये टर्म यहां आ जाएगा तो आईसी का टर्म भी अपन को मिल जाएगा वीसीसी डिवाइड बाय आर ऑफ सी, ये है 20 डिवाइड बाय 4 बच्चों, किलो का मतलब हो जाएगा 10^3, ये हो जाएगा 5 × 10^-3 या बोल सकते हो 5 mA। तो दो आंसर आ गए अपने पास, आई बी इज 40 एंड आई सी इज 5। तो देखो आई बी और आई सी मिल रहे हैं, ऑप्शन ये सही होगा, बीटा और निकाल लेते हैं अपन। करंट वाले गेन को ही बीटा कहते हैं, ठीक है, जब कॉमन एमिटर पढ़ा जाता है, तो इसका मतलब होता है आउटपुट पे कितना करंट है और इनपुट पे कितना दिया था, मतलब आईसी कितना है और आईबी कितना होगा, ये आईसी और ये आईबी, इतना कुछ नहीं करना है, दोनों का डिवाइड कर दो, काम खत्म अपना, ठीक है। तो आउटपुट पे तो आंसर है अपने पास वो है 5 mA मतलब 10^-3, ठीक, और इनपुट पे आया अपने पास आंसर 40 × 10^-6। इन्हें अपन सॉल्व कर लेते हैं, 125 ये हो गया बीटा का टर्म, और अपना ऑप्शन नंबर 1 सही जा रहा है, ठीक है ना बच्चों।